चलिए एक और इसमें मैं तरीका बताता हूँ आपको जो लोग इस्तेमाल करते हैं अब जैसे कि यहाँ पर इसमें क्या है कि ये आ, कभी मार कैंडल्स कभी ऊपर क्लोज होते हैं कभी नीचे क्लोज होते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो कुछ लोगों का क्या कहना है वो कहते हैं कि भाई मैं एक और मूविंग एवरेज डाल दूंगा और मैं उस मूविंग एवरेज और हमारे 200 के मूविंग एवरेज के बीच में जो क्रॉसओवर्स होंगे उस क्रॉसओवर के अनुसार मैं ट्रेंड को कंफर्म करूंगा एक और फिल्टर लग गया मतलब ठीक है अभी हम देखते हैं तो हम इसमें पहुंचे हमने स्टार्टिंग से देखना चाहा ये देखिए मार्केट क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ हम अक्टूबर महीने से देखते हैं ये मार्केट येलो कलर का लाइन जो हमारा सौ का मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ही रहा मार्केट ये देखिए जब से नीचे आया मार्केट ये येलो लाइन जो सौ का मूविंग एवरेज है इसको फास्ट मूविंग एवरेज कहेंगे इसको हम स्लो मूविंग एवरेज कहेंगे अभी ये नीचे आया तो तब से अभी आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं की ऊपर है या नीचे है भले थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको साफ साफ बता रहा है कि पूरा पूरा जो ट्रेंड है यहाँ से लेके यहां तक का वो पूरा ट्रेंड अभी आपका नेगेटिव ट्रेंड है थोड़ा सा बीच में पॉजिटिव हुआ यहाँ पर क्रॉस मारा यहां से थोड़ा टाइम पॉजिटिव रहा उसके बाद में उसने कहा कि वापस सेल का दौर चालू हो गया ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर आपको सेल का दौर मिल गया वापस और आप देखेंगे अभी तो यहां तक पूरा ट्रेंड उसने दिया आपको वापस उसने कहा कि मार्केट अभी शायद ऊपर जाएगा वापिस उसने क्रॉस ओवर दिया ये देखिए ये सौ का मूविंग एवरेज जब दो मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो मार्केट गिरता है और सौ का मूविंग एवरेज जब दो के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है ये देखिए कितने खूबसूरती से ये नीचे गिरा और अगर ये ऊपर चला जाता है तो मार्केट बढ़ता है ये देखिए तो कुछ लोगों का कहना है कि हम 200 और 100 के मूविंग एवरेज को देखकर हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है ये जो हमने डेटा देखा अभी ये यूरो यूएसडी का डेटा है एक घंटे का चार्ट है और ये एक घंटे के चार्ट में अभी हमने ऑलमोस्ट एक साल का हमने डेटा देखा ये देखिए एकदम खूबसूरती से क्रॉस ओवर होता है और पूरा पूरा ट्रेंड आपको देता है अब ये देखिए यहा पर ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस हुआ यहाँ से आपका मेजर ट्रेंड नीचे का है तो अभी आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं कि भाई 100 और 200 के मूविंग एवरेज को मैं देखूंगा अगर ऊपर की तरफ है तो मैं समझूंगा कि मेरा बाइंग का ट्रेंड है नीचे की तरफ है तो मैं समझूंगा सेलिंग का ट्रेंड है अब इसमें दो इम्पोर्टेंट पहलू है एक कि जब ये येलो लाइन नीचे की तरफ है आप समझते हैं कि ये मार्केट नीचे जाने वाला है अब अगर आप बाई में खड़े हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बाई में नहीं खड़े रह सकते लेकिन अगर आप बाई में खड़े हैं तो आप कृपया करके वेट ना करें प्रॉफिट निकलता है तो ठीक है अगर लॉस है तो भी स्टॉप लॉस लेके निकल जाए क्योंकि अगर आप अभी वेट करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा क्या है वो सेल का है अभी आप बाई में नहीं खड़े रह सकते हैं वैसे ही मेजर ट्रेंड हमारा जब बाई का रहता है तो हम सेल में नहीं खड़े रह सकते हैं। ये आप देखिए बड़ा खूबसूरती से ये पूरा ट्रेंड इसने दिया है अपने को ये देखिए ऑलमोस्ट अगर आप इसको देखें तो मैं कहूंगा कि यहां से अगर अपन गिनते हैं इसको इस एरिया से तो ये देखिए टोटली आपको 600, 700 पिप्स का टोटल प्रॉफिट दे सकता है और कितने समय काल दौरान फेब्रुवरी से लेकर पूरे मार्च 27 तक फरवरी 6 से लेकर मार्च 27 तक आपको कोई शंका ही नहीं रही होती कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है अगर आप सेल में बैठे होते हैं और सेल के अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बैठे होते हैं तो शायद आपने कोई गलती ही नहीं की होती उस दौरान ये देखिये जहां, जहां पर भी ये क्रॉसओवर होता है वहां से मार्केट नीचे की तरफ आता है जहां से क्रॉसओवर होता है वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है जहां से क्रॉस होता है ये देखिए यहां से ये ऊपर जा रहा था उस टाइम पर उसने क्रॉस दे दिया मार्केट नीचे की तरफ आता है और जहां से ये क्रॉस होता है ये देखिए मे जून का यहां पर देखिए आप में तेईस तारीख को सौ के इसने क्रॉस ओवर किया और तब से लेके मैं अभी तक मैं मार्च सॉरी जून सत्रह तक मार, सीधा मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रहा है तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है अपने इसको समझना और अभी अभी ये जून में यस जून में अभी आपने देखा दोस्तों कि जहां से ये 26 मई से लेकर जब मार्केट ऊपर की तरफ गया ये जो क्रॉसओवर हुआ येलो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी तब से लेकर ऑलमोस्ट तेरा जून चौदह जून तक मार्केट ने ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रखा है अगर समझो एक सिंपल आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं थी अगर आपने इतना भी समझा होता है इसको देखकर कि यार ये तो मेरा वाला जो ट्रेंड है अभी वो बाई का ट्रेंड है अभी मेरा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तेजी का माहौल है इस पर्टिकुलर इसमें पैर में अगर इतना भी अगर आपने सोचा होता तो शायद आप उतनी गलतियां नहीं करते क्योंकि आप जब आके ट्रेडिंग करने बैठेंगे और आपके दिमाग में इतना जरूर रहेगा कि भाई ये मेरा जो ट्रेंड है अभी वो बाइंग का ट्रेंड है मुझे बाय करना चाहिए तो आपके सेलिंग भले आपने सेल किया हो लेकिन आप उसमें उतना वेट नहीं कर पाएंगे आपकी उतनी हिम्मत नहीं रहेगी लेकिन अगर आपने बाय किया होगा और समझो आपके विपरीत जा रहा होगा तब भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेंड तो बाय का है या मेरा ट्रेंड तो सेल का है ये ऐसी बात है समझिए वापस मैं एग्जाम्पल दे दू अगर हम समझो आप अम्म सूरत में हैं और आपको बॉम्बे और अहमदाबाद आपको बॉम्बे जाना है और बस निकली और बस ने मारा कट अहमदाबाद की तरफ मतलब उल्टे दिशा में वो कट मार दी राइट तो आप टेंशन में आ जाएंगे कितना देर वेट कर सकते हैं आप पांच मिनट वेट कर सकते हैं फिर कही न कहीं ना कहीं उठ के जाके आपको पूछना ही पड़ेगा कंडक्टर को कि भाई ये कहाँ से जा रहा है अगर आपको लगता है कि बहुत दूर उस तरफ जाने वाला है जो आपकी मंजिल नहीं है मतलब मंजिल के उल्टी तरफ जाने वाला है तो कृपया आप उतर जाइए वही सबसे बेहतर है मेजर ट्रेंड भी आपको यही सहायता करता है वो आपको एग्जैक्टली exactly बताता है कि मार्केट की दिशा क्या है या दशा क्या है मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है या मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए अगर आप सेल में है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आ, ये समझिए कि बाइंग का मार्केट है ये अगर लॉन्ग का मार्केट है तो उसमें आप सेल करके छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं कमा सकते मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको पता है कि ये बाइंग का मार्केट है तो आप पूरा वेट नहीं करेंगे ना आप यहां पर अगर बाई करेंगे आप समझिए ये यहां पर अगर आप बाई करेंगे सॉरी यहां पर अगर आप सेल करेंगे और मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जा रहा है तो आप ये साढ़े सात सौ पिप दे के थोड़ी मरेंगे आप तो आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि यार मेरा स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर सेल पे हूं तो मेरा स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर बाई में हूं तो क्योंकि यहां से तो नीचे आ गया है मेरा मेरा तो पूरा इंडिकेटर बता रहा है कि अब नीचे जाने वाला है मेरा मेजर ट्रेंड तो नीचे की तरफ हो गया है मंदी की तरफ हो गया है तो अब मैं वेट नहीं करूंगा हो सकता है कि मैंने बाइक का ट्रेंड लिया हो लेकिन मैं अब वेट नहीं करूंगा तो आपको जो ट्रेंड है ये इस प्रकार की जो दोनों लाइन्स है वो आपको आसानी से बता देते हैं कि मार्केट की दशा क्या है या दिशा क्या है कि मार्केट कहा जाना चाहता है राइट दोस्तों तो तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज को अभी जो हमने एक घंटे में लगाया है उसको हम अभी हम डेली चार्ट में देखते हैं चलिए डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है हम 2010 2009 2008 के चार्ट को देखते हैं 2007 से देखते हैं चलिए जितना पीछे जाएंगे उतना अच्छा है ये देखिए पांच में डेली चार्ट देख रहे हैं हम ये उप, अपना मेजर ट्रेंड नीचे की तरफ आया मार्केट नीचे की तरफ आया मेजर ट्रेंड ऊपर की तरफ गया मार्केट ऊपर की तरफ गया आप, आपको ख्याल है कि ये कितना है ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये है ऑलमोस्ट तीन हजार पांच सौ सॉरी तीन हजार नौ सौ तीन हजार नौ सौ पे का ये ट्रेंड है आप देख रहे अगर समझो आपको इतना पता होता है कि 2005-2006 फरवरी से ले अप्रैल से लेकर 2008 जुलाई तक मार्केट तेजी में है अगर आपको ख्याल होता तो तो सोचकर देखिए उस तीन साल में आपने कितना पैसा कमाया होता ट्रेंड को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आपने ट्रेंड को समझा तो आप सब कुछ समझ सकते हैं ये देखिए वापस जब नीचे आया ये मार्केट वहां से मार्केट नीचे गिरा पूरा पूरा वापस उसने एक और बार 200 के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया वहां से वो वापस गिरा ये देखिए वापस क्रॉसओवर ऊपर की तरफ मेजर ट्रेंड आपको पता लग जाएगा अगर आप इस प्रकार से सौ और दो सौ के मूविंग एवरेज को देखेंगे तो अगर आप मेजर ट्रेंड को समझ लेंगे तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप मेजर ट्रेंड को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो आउटलुक्स होते हैं लिमिटेशन होते हैं वो आपको कंट्रोल में दिखेंगे कि चलो यार मैं अगर बाई कर रहा हूं तेजी के मार्केट में तो मैं वेट कर सकता हूं मैं अगर सेल कर रहा हूं मंदी के मार्केट में तो मैं वेट कर सकता हूं और अगर मैं बाई कर रहा हूं मंदी के मार्केट में तो तो मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए और अगर मैं सेल कर रहा हूँ तेजी के मार्केट में तो मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए तो इस प्रकार से आप जब ट्रेंड को देख कर आप ट्रेड करना की कोशिश करेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा और उसके साथ साथ आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि मार्केट किस दिशा में जा रही है याद रखिए इस वीडियो में एक ही चीज में आपको वापस बताना चाहूंगा कि ट्रेंड को समझे बिना आप ट्रेड करोगे तो कोई दुनिया में इंडिकेटर नहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं जो आपको फायदा दिलवा सकता है ये वैसी ही बात है समझिए कि आप बोल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा शोरूम खड़ा कर दूं सबसे अच्छे सेल्स गर्ल रख दूं सबसे अच्छा मैं मार्केटिंग करूं लेकिन मैं वो ट्रेंड वाली पैंट्स नहीं रखू वो डिजाइन नहीं चलाऊ मैं आज भी बेल बॉटम्स बेचने की कोशिश करूंगा या मैं आज भी बैगीज बेचने की कोशिश करूंगा तो एक एक अजीब सी बात हो जाती है वैसे ही अगर आप ट्रेंड को समझे बिना कि अभी मंदी है या तेजी का ट्रेंड है उसको समझे बिना अगर आप सिंपली वैसे ही करना चाहेंगे ट्रेडिंग तो शायद ये नहीं होगा और आप हमेशा मार्केट के उल्टी दिशा में खड़े रहेंगे जहां मार्केट जाना चाहता है उसके विपरीत आप खड़े रहेंगे और आप अपने आप को कोसते रहेंगे तो दोस्तों हमेशा एक मिनट के लिए बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है दो के मूविंग एवरेज को आपने देखा कि बार बार कोई तोड़ने भी नहीं आता है बस थोड़ा सा इसको डाल दीजिए एक बार देख लीजिए आप हफ्ते में एक बार कम से कम देख लीजिए जब सैटरडे संडे मिलता है तो आपके जिस भी प्यार में आपको ट्रेड करना है उसमें इन दोनों को डाल दीजिए एक बार देख लीजिए क्या हो रहा है आपको ख्याल आ जाएगा कि कौन से लेवल पे मार्केट आके टेस्ट कर सकता है कहाँ से जा सकता है और अगर ये मंदी है तो आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए और अगर ये तेजी है तो आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए एक अच्छे लर्नड और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए सबसे पहला स्टेप है कि आप ट्रेड को ट्रेंड को समझें मैं गॉड ब्लेस यू थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग एक और वीडियो इसके बाद हम लोग और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स में जाएंगे लेकिन इसके पहले कि हम जाएं उन सब चीजों में मैं आपसे अनुरोध वापिस एक और बार करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज 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 इस चीज को आप हर पैर में डालकर देखिए फिर गोल्ड में डालकर देखिए सिल्वर में डालकर देखिए आपको जो पैर दिखता है निफ्टी में डालकर देखिए और कोई भी आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसमें मूविंग एवरेजेस तो होंगे ही होंगे तो आप इनको डालकर आप देखिए एक और बार समझिए उसको क्या हो रहा है ट्रेंड कैसे बनता है ट्रेंड को कैसे समझते हैं और ट्रेंड को कैसे आप अपना फ्रेंड बना सकते हैं ट्रेंड अगर आपका दुश्मन रहा तो एक रुपया आप निकाल के नहीं जा सकते ट्रेंड अगर आपका दोस्त रहा तो चांदी ही चांदी है राइट तो प्रैक्टिस कीजिए कम से कम दस पैर में कीजिए कमोडिटीज में कीजिए एटलीस्ट दो स्टॉक में कीजिए और दो कमोडिटी um, में कीजिए गोल्ड और सिल्वर में कीजिए और स्टॉक uh, में भी कीजिए और उसके साथ साथ करेंसी पैर में भी कीजिए राइट ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेक केयर